Mira, कैसे? क्या किया स्कूल में? हमने पिकनिक मनाई और चिड़िया देखी। मैं उतारूंगा। अच्छा, एक मम्मा उतारती है, दूसरा साथ तो है। और क्या क्या देखा आपने वहाँ पे स्कूल में? क्या क्या देखा? और भी बच्चे थे? बहुत सारे बच्चे थे। कितने बच्चे थे? बहुत सारे। क्या क्या किया बच्चों ने? आप बच्चों के साथ खेले थे? मम्मी, चिड़िया पानी में तैर रही थी। चिड़िया पानी में तैर रही थी? वो बतख होगी। बतख कैसे कर रही थी? बतख अच्छा, और क्या देखा था? फ्लावर देखे। कैसे थे? ब्लू, पिंक, रेड, व्हाइट, पर्पल। इतने सारे फ्लावर थे? कितने सारे थे? बहुत सारे। मम्मी, हमने गिलहरी देखी। गिलहरी अपने खाना खा रही थी, हाउस पे जा रही थी। हाउस पे बहुत सारी गिलहरी थी। और क्या क्या देखा? पेड़ पे खेल रही थी, झूले ले रही थी। और क्या क्या देखा? और ग्रीन लीफ देखी। और हमारी मैम बहुत अच्छी है। मैम क्या कह रही थी? जब पत्ते सूख जाते हैं तो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, भाग भाग के हरी हरी घास पे खेले थे, दौड़े थे, सब बच्चों को पकड़े थे। हरी हरी घास पे लेते वो छोटी छोटी, उसके अंदर कीड़े निकाले घास में से। कैसे निकाले थे? ऐसे हाथ से। काटा नहीं कोई कीड़ा? नहीं। आपको डर नहीं लगा? नहीं काटा। अच्छा चलो, पहले हम हाथ मुंह धो लेते हैं, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? पिकनिक की बातें करेंगे। चलो, कैसे बोलती है बत्तर? जैसे बोलते हैं। बोलो, बताओ। प्राक प्राक प्राक। अच्छा चलो जल्दी से आओ, ये लो। और जब चिड़िया देखती थी, आप कह रहे थे पानी में तैर रही है। पानी में नहीं तैरती ना, है ना? कौन तैरती है? बतख, है ना? बच्चों को आत्माभिव्यक्ति के अवसर देने की आवश्यकता है, जिससे वे ज्ञान का स्वयं सृजन कर सकें। साथ ही इस प्रकार उनमें अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता का विकास भी होता है।